तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिले कैसे काम करती है और सर्किट ब्रेकर क्या होता है और कैसे आपस में जुड़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं सर्किट ब्रेकर का। लेकिन उस ऑपरेशन को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं जो कि UPPCL में और अदर जितने भी JEE के एग्जाम्स होते हैं उसमें सिरदर्द बना हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है लेकिन ये पार्ट भी है सर्किट ब्रेकर का और किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये क्वेश्चन बताया नहीं जाता। कौन सा? ट्रांसमिशन लाइन ओपनिंग एंड ट्रांसमिशन लाइन क्लोजिंग। इसका ना प्रोसीजर दे देते हैं एग्जाम में, ऐसे करके ना MCQ बना के दे देते हैं कि कैसे ओपन होती है ट्रांसमिशन लाइन और कैसे क्लोज होती है। ठीक है, तो आज हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसमिशन लाइन ओपनिंग, ओपन कैसे किया जाता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को, ओपन कैसे किया जाता है यानी खोला कैसे जाता है, ओपनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन को ओपन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को जब भी मुझे ओपन करना है तो सबसे पहले ओपन करते हैं सर्किट ब्रेकर को। ओपनिंग के दरमियान पहले ब्रेकर को ऑफ करते हैं, फिर आइसोलेटर को ओपन करते हैं। ठीक है, समझिए। सबसे पहले मैंने ओपन करनी है ट्रांसमिशन लाइन, तो मैं सबसे पहले ओपन करूंगा सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद मैं ओपन करूंगा आइसोलेटर को मैं ओपन करूंगा, उसके बाद क्लोज कर दूंगा अर्थ स्विच को। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया ट्रांसमिशन लाइन को ओपन करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है। ये ट्रांसमिशन लाइन क्लोज्ड है, कैसे पता क्लोज्ड है, देखिए आइसोलेटर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, इसके कॉन्टैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे इस ट्रांसमिशन लाइन को ओपन करना है तो मैं कैसे करूंगा, ओपनिंग के टाइम पे सबसे पहले आइसोलेटर डायरेक्ट नहीं खोलते, ब्रेकर को ओपन करते हैं। ब्रेकर को ओपन करेंगे तो मैंने ब्रेकर को कर दिया ओपन। ठीक है, तो ब्रेकर को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रेकर को ओपन किया। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स खोल, मतलब ब्रेकर ओपन हो गया। ठीक है, यहां से ब्रेकर ओपन हो गया, अब हम आइसोलेटर को ओपन करेंगे। ठीक है, मतलब ये प्रोसीजर होता है, ये लो भाई अब ओपन हुई ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने तो ऐसे कर दिया हाथ से, इंडस्ट्रीज के अंदर मतलब ऐसे करते हैं। सब स्टेशन के अंदर क्या होता है, वो नीचे ना एक मशीन सी लगी होती है, उसको ऐसे ऐसे घुमाता TG2 स्विच यार्ड में, और क्या होता है पहले ब्रेकर को अंदर से ऑफ कराते हैं, उसके बाद आइसोलेटर को नीचे नीचे ऐसे करके ओपन करते हैं। जब चले जाओगे सब स्टेशन में तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ओपनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पहले ब्रेकर को ऑफ किया फिर आइसोलेटर को ओपन किया। अब आपके मन में सवाल होता उठ रहा होगा कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन को ओपन करते हैं तो डायरेक्ट आइसोलेटर को ओपन क्यों नहीं करते हैं, पहले ब्रेकर क्यों ऑफ करते हैं। देखिए, आइसोलेटर एक सिर्फ स्विच है, ठीक है ना। एनर्जाइज्ड ट्रांसमिशन लाइन पे अगर मैं ब्रेकर को क्लोज रख के अगर मान लो, तुम्हारी बात का भी जवाब देता हूँ, अगर मैं ब्रेकर को क्लोज रख के, ये ब्रेकर क्लोज है, ब्रेकर तो क्लोज रख के अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन ओपन करनी है और मैं डायरेक्टली आइसोलेटर को ओपन कर देता हूँ, मान लो आइसोलेटर ओपन हो गया डायरेक्टली, तो ये लाइन तो एनर्जाइज ही है ना ब्रेकर ऑन होने की वजह से, तो क्योंकि और तो क्या होगा, आइसोलेटर के कॉन्टेक्ट के बीच में ऐसी स्पार्किंग होगी हैवी। ठीक है, सब स्टेशन का स्विच यार्ड उड़ जाएगा पूरा का पूरा, फूक जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, ब्रेकर को पहले ओपन किया जाता है। ठीक है, ब्रेकर को सबसे पहले ओपन किया जाता है, इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले ब्रेकर को ओपन किया जाता है तब आइसोलेटर ओपन होता है। ठीक है, तो आप बनाइए फिगर, सबसे पहले ब्रेकर को ये देखिए ओपन है ब्रेकर, और यह है आइसोलेटर। तो इस प्रोसीजर को याद कर रखना। ठीक है, अब है ट्रांसमिशन लाइन क्लोजिंग। जब भी कभी ट्रांसमिशन लाइन को क्लोज किया जाता है, सेकंड स्टेप प्रोसीजर ट्रांसमिशन लाइन क्लोजिंग, तो जब भी कभी ट्रांसमिशन लाइन को क्लोज करेंगे तो अब उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले क्लोज करना है सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे, फिर आइसोलेटर को क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे अर्थ स्विच। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर से, जब भी कभी ट्रांसमिशन लाइन को क्लोज करेंगे, ये क्लोजिंग है, तो सबसे पहले क्लोज करेंगे सर्किट ब्रेकर को, फिर क्लोज करेंगे आइसोलेटर को, फिर ओपन करेंगे अर्थ स्विच को। ठीक है,
तो अब ये ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास एक ओपन ट्रांसमिशन लाइन है, तो मुझे इसको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा सर्किट ब्रेकर को। तो मैंने सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिया, अब मैं आइसोलेटर को क्लोज करूंगा। ठीक है, तो ये लो जी आइसोलेटर क्लोज करूंगा। अब हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, एनर्जाइज्ड होगी। ठीक है, अब हमारी ट्रांसमिशन लाइन एनर्जाइज्ड होगी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये आपको बड़ी ध्यान से रखना है प्रोसीजर, और ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट अब पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर अब कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो चलो चलो तो डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लूंगा डायग्राम बनाने में, फिर समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। चलो जी अब समझना जरा। ठीक है, अब जरा इस प्रोसीजर को पूरा का पूरा ध्यान से समझना। ये जो बनाया हुआ है डायग्राम यहाँ पे, कि ऑपरेशन कैसे होता है सर्किट ब्रेकर का रिले के साथ, आज हम फिनोमिना को समझने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले सर्किट कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लग रहा है पहले ध्यान से समझिए। ये हमारा है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये अभी पूरी ट्रांसमिशन लाइन हमारी नॉर्मल कंडीशन पे चल रही है, ये सिस्टम पूरा नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है। तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हमारे क्लोज्ड हैं। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन कैसे होते हैं, सर्किट ब्रेकर ओपन कैसा होता है सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास है करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी, ये सीटी की प्राइमरी है, ये सीटी की प्राइमरी है। ठीक है, ये सीटी की प्राइमरी है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है रिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से, ये नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मान लो हमारे पास फॉल्ट आता है, फॉल्ट आया, ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, फॉल्ट आया यहां पे, जैसे ही फॉल्ट आया यहां पे, करंट, फॉल्ट का क्या मतलब होता है, करंट जो है अपनी रेटिंग से वो ज्यादा बढ़ गया है। फॉल्ट आने का मतलब है करंट जो है अपनी रेटिंग से वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मान लो इस सेक्शन में फॉल्ट आया, फॉल्ट जैसे ही आएगा ऑब्वियस सी बात है सीटी उसे मॉनिटर करेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ यहाँ पे उसको मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि फॉल्ट
आया है हमारा, तो सीटी की प्राइमरी होती है। अब जैसे ही यहाँ पे जो करंट आएगा, फॉल्ट करंट प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस करके सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये सीटी की प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करी। अब जैसे ही यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करी तो ये क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इस प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेगा, प्लंजर को यहाँ पे अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये प्लंजर यहाँ पे हो गया बंद, ठीक है, पहले ओपन था, अब ये बंद हो गया, यहाँ से सर्किट हो गया हमारा क्लोज। अब जैसे ही ये सर्किट हमारा क्लोज हुआ, फिर बताता हूं, फॉल्ट आया, सीटी की प्राइमरी ने उसे डिटेक्ट किया। अब क्योंकि सीटी ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी करंट जो था उसने सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ये प्लंजर ओपन था, ठीक है, यहां पे क्लोज हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोज होएगा, यहाँ पे करंट चलना शुरू हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब करंट इस कॉइल से पास करेगा, तो ये करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी ये कॉइल। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है इस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। भाई ये मैग्नेट बन गया ना, तो इसको खींचेगा भी तो अपनी तरफ, ठीक है ना, ये मैग्नेट बना, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट हो जाएंगे ओपन, ठीक है। अब ओपन हो गया सर्किट ब्रेकर हमारा, ठीक है, अब ओपन हुआ हमारा सर्किट ब्रेकर, तो ऐसे ओपन होता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ओपन हो गया हमारा सर्किट ब्रेकर, देखो इसने इसको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसने इस प्लंजर को नीचे खींच दिया, ठीक है। तो सारा सीटी के थ्रू होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर, इसीलिए सीटी को मॉनिटरिंग डिवाइस बोलते हैं। सबसे पहले फॉल्ट करंट को जो मॉनिटर करते हैं ना, वो सीटी ही करता है पहले, किसी ने बताया आपको, लिख देंगे बाकी यूट्यूब चैनलों पर क्या चल रहा, कोई डायग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, लो जी लिख दिया सारा, बच्चा भी आ रहा है, नोट कर रहा है, ठीक है, हो गया यूपीपीसीएल क्वालिफाई, वही आए 60 नंबर, वही आए एनएचपीसी में, किसी के 50 आ रहे हैं टेक्निकल में, किसी के कुछ आ रहे हैं, क्यों, आपने चीजों को समझा ही नहीं है, आपकी गलती है। आपको वो यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए जो समझा रहा है, भैया प्रेजेंट टाइम में पेपर समझ के आ रहा है, रट के नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ऐसे काम करता है सर्किट ब्रेकर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट तो ओपन हो गए फॉल्ट आने पर, तो क्या सर्किट ब्रेकर के बीच में आर्क नहीं लगेगी। आ गया भैया उस कंसेप्ट पे, फिनोमिना ऑफ आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर। भैया क्यों, अब आपके मन में सवाल भी तो आ रहा होगा, यार जब ये सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ है तो इस दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में आर्क भी तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं आर्क में, ये आर्क क्या चीज होती है, ठीक है, अब इसको रब करो भैया। ठीक है, चलो भैया, आर्क क्या चीज होती है, ठीक है, ये मेरा एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ये मेरा एक सर्किट ब्रेकर है, क्लोज्ड कंडीशन में, अभी नॉर्मल कंडीशन पे है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, याद रखना क्वेश्चन भी बनता है, जब भी कभी नॉर्मल कंडीशन में होता है ना सर्किट ब्रेकर, तो उसका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं, सेपरेट नहीं होते। तो ये रहा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, ये रहा मूविंग कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं जब कभी नॉर्मल कंडीशन होती है। अब जैसे ही फॉल्ट आया, पिछला डायग्राम बनाया था ना उसको याद रखो, जैसे ही मान लो कोई फॉल्ट आया, ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट, जैसे ही फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर का जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होता है ना, और मूविंग कॉन्टेक्ट, इन दोनों के बीच में आपस में ये स्प्लिट कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, तभी तो सर्किट ओपन होगा ना, जब फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट आपस में दूर चले जाएंगे। ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, नॉर्मल कंडीशन पे हमारे पास ये कंडीशन थी, ठीक है, फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, सर्किट ब्रेकर जैसे ही ओपन होगा, अब हो क्या रहा था देखिए, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट नॉर्मल कंडीशन पे ओपन क्लोज, मतलब क्लोज्ड थे, जैसे ही फॉल्ट आया, ये फॉल्ट लिख दिया मैंने, जैसे ही फॉल्ट आया तो
फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर चले गए। अब देखिए फॉल्ट करंट तो जबरदस्त तरीके से आ ही रहा है, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर चले गए। अब दूर जाने में क्या होता है, क्योंकि जब भी कभी फॉल्ट आता है तो हैवी करंट फ्लो होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के निकट, ठीक है। और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं, दूर होते हैं ये कॉन्टैक्ट्स, तो होता क्या है कि इनके बीच की रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिस वजह से क्या होता है, जो लार्ज फॉल्ट करंट होता है ना, लार्ज फॉल्ट करंट जो होता है, करंट तो यहां से आ ही रहा है, ये यहां पे ना सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस कर देता है। ये रही मैंने बना दी, ये रही भैया एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस कर देता है यहां पे, एक्सेसिव एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस कर देगा यहां पे, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट जब सेपरेट होते हैं तो फॉल्ट करंट जो होता है यहां पे एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये जो हीट होती है ना, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये जो सर्किट ब्रेकर के बीच में मीडियम होता है ना, मीडियम होता है जो आर्क, जो मीडियम होता है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये ऑयल भी हो सकता है, ये एयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो जो मीडियम होता है ना सर्किट ब्रेकर के, मीडियम में जो चीज भरी होती है ना, चाहे वो एयर हो चाहे वो ऑयल हो, इसके पार्टिकल आयोनाइज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास, वो आयोनाइज होने शुरू हो जाते हैं, ये हीट आयोनाइज कर देती है या तो एयर को या तो ऑयल को, जो भी इसके अंदर बेटा जो मीडियम होगा, तो आयोनाइज करना, जैसे ये इसको शुरू कर देगा तो होगा क्या आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसे आर्क प्रोड्यूस हो जाती है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में, ये आर्क है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्क, यहां पे लिख देता हूं आर्क, ये काली काली पूरी की पूरी, ठीक है। एक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है, आर्क प्रोड्यूस हो जाती है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में, ठीक है ये होता है फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्क। तो आर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि जो फॉल्ट करंट होता है जैसे ही वो आ रहा होता है तो क्या करता है, जो एयर, जो मीडियम होता है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, उसे आयोनाइज कर देता है। अब आयोनाइज जैसे ही बच्चे करेगा तो क्या होगा कि आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये आर्क जो प्रोड्यूस होती है, इसको बुझाने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि अभी यहां तक ही समझ लो, बहुत ही अच्छा लेक्चर था ये कि आर्क प्रोड्यूस कैसे होती है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बारी बारी ही लेक्चर अच्छे लगते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की, ठीक है, उसको गो थ्रू हो लेना पिछले लेक्चर से। तो ये आर्क जो प्रोड्यूस होती है, अब इसको बुझाने के क्या तरीके हैं, मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं किसी भी जेईई एग्जाम में, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।